न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। महोबा में थाना कवरेज क्षेत्र के ग्राम अलीपुरा स्थित शांति ग्रेनाइट के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने डग्गा वाहन को रौंद दिया, जिसके चलते डग्गा चालक फहीम की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं सूचना पर पहुंचे पुलिस के द्वारा मृतक के शव को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां मौके पर परिजन भी पहुंच गए। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस पूरे मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज के सामने स्थित गली में एक महिला को कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगाने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को बाहर निकाला। महिला ने कुछ लोगों पर मकान पर कब्जा करने को लेकर इस घटना को अंजाम देना बताया। वहीं दूसरे पक्ष ने महिला के पति पर प्लॉट दिलाने के नाम पर रुपए हड़पने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जानकारी के मुताबिक मेडिकल कॉलेज के गेट नंबर 3 के सामने स्थित गली में रहने वाली महिला अनिता तिवारी ने 112 को सूचना दी कि संजय सोलंकी कुछ लोगों को लेकर आए और गाली गलौज करते हुए मकान पर कब्जा करने की धमकी देकर उसे मकान के अंदर बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। महिला ने बताया कि वे लोग उसे धमका रहे थे कि मकान उन लोगों ने खरीद लिया है, उसे खाली करो वरना उनका सामान फेंक देंगे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को ताले से बाहर निकाला। वहीं दूसरे पक्ष संजय सिंह सोलंकी ने बताया कि जो महिला उनके ऊपर आरोप लगा रही है वे निराधार है। महिला के पति ने उनसे 5 लाख रुपए एक प्लॉट दिलाने के नाम पर लिया था, जिसकी वो रजिस्ट्री नहीं कर रहा, आए दिन टाल टोल करता है। संजय ने बताया कि जो प्लॉट महिला के पति ने दिखाया तो प्लॉट सरकारी जमीन पर है, इसलिए वो महिला के पति से अपने रुपए मांग रहा है। संजीव तिवारी, बुंदेलखंड प्रभारी, राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी। क्या मामला हो गया आज जी? अरे मामला ये रंगदारी का है। विगत 15 दिन से इसकी मेरे पे कॉल आ रही थी, कॉल रिकॉर्ड में भी जांच कर ले पुलिस। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करना चाहता हूं, और जैसा सुशासन है और मैं चाहता हूं कि उसी तरह सुशासन रहे, जब हम जैसे पदाधिकारियों के यहां संजय सोलंकी कथित गुंडा, मैं गुंडा बोलूंगा इसको, गुंडा कह दी है ये, क्योंकि मेरी पत्नी को ये कासगंज में कमिश्नर अलीगढ़ मंडल रविंद्र और आईजी शलभ माथुर पहुंचे घटनास्थल का मौका मुआयना करने। साथ में कासगंज डीएम सुधा वर्मा भी मौके पर मौजूद नजर आए। पटना एसपी रजत कौशिक भी मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के 2012 से 2017 के कार्यकाल में थराली तहसील के देवराडा भेटा थराली गांव और बाजार क्षेत्र को मिलाकर नगर पंचायत का गठन किया गया। ग्रामीणों को सहूलियत और सुविधा प्रदान करने के लिए बनी इस नगर पंचायत में साल 2018 में निकाय चुनाव भी हुए और चारों वार्डों से 4 सभासद के साथ ही नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर बीजेपी उम्मीदवार भी जीती। 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ तो अब नगर के वासियों का आक्रोश भी कार्यकाल पूरा होने के बाद ही नजर आ रहा है। टैक्स के बोझ और शहरी निकाय में जाने से रोजगार गारंटी का काम ठप हो जाने से 5 साल बाद ग्रामीणों ने नगर पंचायत पर ठीकरा फोड़ते हुए आरोप लगाया कि नगर पंचायत में जाने से गांव का विकास होने की बजाय विकास कार्य अवरुद्ध हो रहे हैं। सुख सुविधाओं के नाम पर ना तो वार्ड तक सड़क पहुंची है, ना ही पक्की नालियां बनी है, ना तो पैदल रास्ते के किनारे स्ट्रीट लाइट लगी और ना ही वार्डों में नियमित सफाई होती है। अभी कुछ लोग आए थे यहाँ पर, उन्होंने नगर पंचायत से अपने को हटाए जाने के संबंध में एक ज्ञापन दिया है, और ज्ञापन जो है मैं यहाँ से शासन को प्रेषित किया जाएगा और जो भी मेरे स्तर से जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। इस स्तर में इस संबंध में मैं ईओ नगर पंचायत से जानकारी प्राप्त करूंगा क्या क्या वहाँ कार्य। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे। पुष्कर सिंह धामी ने भेल सेक्टर 1 स्थित रविदास मंदिर में रविदास जयंती कार्यक्रम में शिरकत की, साथ ही मंदिर परिसर में बनाई गई सड़क का लोकार्पण भी किया। रविदास मंदिर में भंडारे में लोगों के साथ पंक्ति में बैठकर भोजन किया। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जगतगुरु आश्रम कनखल में जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वर आश्रम महाराज से मुलाकात की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिकता कानून को लेकर कहा कि उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बनाया जहां पर इस कानून को लागू किया गया है, अब पूरे देश में कानून लागू होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि समान नागरिकता कानून उत्तराखंड में बनाया गया है, उत्तराखंड की समस्त जनता ने कानून का समर्थन किया, हमारे द्वारा सभी धर्म के लोगों से वार्ता करने के बाद ही इस कानून को लाया गया है। जिस तरह से उत्तराखंड से गंगा निकलती है वैसे ही ये कानून उत्तराखंड से निकला है, हमें आशा है कि देश के अन्य राज्यों में भी इस दिशा में कार्य होंगे। उत्तराखंड के बाद दूसरा राज्य असम बनने जा रहा है जहां के मुख्यमंत्री ने इस कानून को बनाने की बात कही है, क्योंकि देश के लोगों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए, भारत के संविधान में भी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब संविधान बना रहे थे तो उसमें भी उनके द्वारा ये प्रावधान किया गया था। यूसीसी उत्तराखंड देवभूमि से निकली है और उत्तराखंड के जनमानस ने यूसीसी पर अपना हमको समर्थन दिया था, मत दिया था, आशीर्वाद दिया था, और यहाँ की सभी भौगोलिक परिस्थितियाँ, यहाँ के रहने वाले सभी लोग, यहाँ के हमारे
अनेक अनेक समुदाय के लोग, धार्मिक संगठनों के लोग, सबसे वार्ता करने के बाद हम यूसीसी लाए हैं और गंगा यहाँ से निकलती है उसी प्रकार से यूसीसी निकली है। तो हम तो पहले ही कह रहे थे कि माघ महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा को माघ पूर्णिमा कहा जाता है और मास का नाम माघ नक्षत्र के नाम पर पड़ा है, जिसका अर्थ होता है महान। यह अवसर विशेष फलदायी, मोक्ष प्रदान करने वाला और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। माघ पूर्णिमा पर माँ गंगा में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। गंगा स्नान करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हुए और हर की पौड़ी समेत अन्य गंगा तटों पर गंगा स्नान करते हुए भी नजर आते हैं। ऐसी मान्यता है कि माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। गंगा स्नान की आज माघ पूर्णिमा भी है जी, जी इसका बहुत महत्व है और हम बारामसी स्नान कर रहे हैं, हर दो महीने में आते हैं, दोनों महीने का एक बार में कवर करते हैं। क्या महत्व मानते हैं, स्नान करेंगे तो पापों से पाप धुल जाते हैं, यही बड़े लोग कहते हैं, उस अनुसार हम लोग भी चल रहे हैं यही संस्कार। मेरा नाम है सुमन सोमानी। स्नान किया आपने गंगा जी का, आज माघ पूर्णिमा भी है जी, क्या महत्व है, गंगा स्नान करेंगे क्या लाभ होगा? गंगा मैया का पूर्णिमा हो बोले कुछ बारह महीना ही महत्व है, पर पूर्णिमा के दिन नहाने का अलग महत्व है। उसका माघ पूर्णिमा हुआ, कार्तिक पूर्णिमा हुआ, उसका एक अलग महत्व बताया गया शास्त्र में हमारे, इसलिए माघ पूर्णिमा के दिन हम नहाने आए हैं। गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने उत्तरकाशी के 65वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर माँ रेणुका मंदिर परिसर रूंदा में आयोजित विकास मेले का शुभारंभ किया। बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे गंगोत्री विधायक ने समस्त जनपदवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान मेले के शुभारंभ अवसर पर दूर दराज से आए देव डोलियां सहित सांस्कृतिक और पौराणिक परंपरा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहीं इस विकास मेले में विभिन्न सरकारी स्टॉल लगाए गए, जिसमें आम जनमानस ने शिविर का लाभ लिया। इस मौके पर माननीय विधायक ने मां रेणुका मंदिर समिति के सम्मानित अध्यक्ष राजदीप परमार, सचिव पदम दत्त जोशी, समस्त डूंडा वासियों को इस भव्य आयोजन की बधाई दी। उत्तरकाशी जनपद वासियों को, गंगोत्री विधानसभा के वासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और आज के दिन हमारा ये जनपद तीरी जनपद से अलग हुआ था और स्थापना दिवस के रूप में माँ रेणुका समिति के द्वारा ये भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। और इस मेले में जहां तमाम देव डोलियाँ इस डुंडा के क्षेत्र में रेणुका के मंदिर में आती है, वहीं स्थानीय लोग। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों के आंदोलन को चाहिए भाव, भाव और भाव देगी सरकार, और सरकार किसी की भी हो किसान उससे भाव मांगता रहेगा, भाव नहीं देगी तो आंदोलन करता रहेगा, अपनी बात सरकार के सामने कहता रहेगा। इतनी जनसंख्या देश में है, कृषि को मजबूती देनी पड़ेगी, खेती किसानी बचानी पड़ेगी, हमको आत्मनिर्भर बनना है और हम आत्मनिर्भर तब बनेंगे जब हम गांव के किसानों के हाथ मजबूत करेंगे। अगर खेती से किसानों को हटा दिया और कंपनी के हाथ में खेती दे दी गई तो फिर देश गुलाम हो जाएगा। किसान को चाहिए भाव और भाव देगी सरकार, और सरकार किसी की भी हो ये उससे भाव मांगता रहेगा, भाव नहीं देगी तो आंदोलन करता रहेगा, अपनी बात सरकारों के सामने कहता रहेगा। इतनी जनसंख्या देश में है कि कृषि को मजबूत स्थिति देनी पड़ेगी और खेती किसानी बचानी पड़ेगी, हमको आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर जब बनेगा, जब हम गांव के किसान और मजदूर के हाथ मजबूत कर दोगे। अगर खेती से किसानों को हटा दिया, शिफ्ट कर दिया, कंपनी के हाथ में खेती गई तो देश फिर जमीन की खरीद फरोख्त के एग्रीमेंट और जमीन की अदला बदली के खेत में सिंचाई विभाग की जमीन बेचकर लाखों हड़पने वाले ज्वालापुर निवासी पति पत्नी और एक सलीमपुर निवासी समेत तीन के खिलाफ पीड़िता की ओर से कोतवाली रानीपुर में मुकदमा दर्ज कराया गया। बहादुराबाद के दादूपुरा गोविंदपुर स्थित एक जमीन की खरीद फरोख्त के एग्रीमेंट और अदला बदली के खेल में ज्वालापुर निवासी पति पत्नी और एक अन्य सलीमपुर निवासी ने षड्यंत्र रचकर धोखाधड़ी के खेल में सिंचाई विभाग की जमीन बेचकर लाखों रुपए हड़प लिए। अब पीड़ित की तहरीर पर रानीपुर कोतवाली पुलिस पति पत्नी और एक अन्य सहित तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की तैयारी में जुट गई है। ताजा मामला रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में सामने आया। यहां कुछ आरोपियों ने मिलकर जमीन बेचने और अदला बदली का ऐसा खेल खेला कि एक परिवार ने इससे न सिर्फ उनकी मेहनत की गाड़ी कमाई के लाखों रुपए हड़प लिए। रानीपुर पुलिस के मामले की छानबीन शुरू कर दी है। जल्द ही षड्यंत्रकारी आरोपियों का पूरा गैंग दबोचने की भी तैयारी की जा रही है। एक धोखाधड़ी और कूट रचित दस्तावेज से रिलेटेड एक मुकदमा तो दर्ज हुआ है रानीपुर कोतवाली में, मुनीबा ने तीन लोगों के खिलाफ दर्ज करवाया, बाकी शेष तो जांच का विषय है।
सितारगंज से ड्यूटी कर वापस लौट रहे फैक्ट्री कर्मी को केशा नेशनल हाईवे पर कार सवार बदमाशों ने टक्कर मारने के बाद लूट लिया। टक्कर लगने से फैक्ट्री कर्मी को गंभीर चोटें लगी हैं। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से लूटा हुआ सामान भी बरामद कर लिया है। लूट की वारदात का तत्काल खुलासा होने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करने वाली टीम को नगद इनाम देने की घोषणा की। इस दौरान सिपाही चंद्र प्रकाश और नरेंद्र यादव को लूट की वारदात में सराहनीय कार्य करने पर मैन ऑफ द मंथन चुना गया। महोदय के निर्देश पे उत्तराखंड को भयमुक्त और अपराध मुक्त बनाने की दिशा में लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। इसी क्रम में एक सूचना हम लोगों को मिली जिसमें वादी द्वारा यह बताया गया कि उसके साथ ससैया में एक घटना कारित की है, लूट की घटना 3 लोगों के द्वारा। तो उसमें हमने तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके उसकी अनावरण के लिए टीमों का गठन किया, क्योंकि हाईवे पे ये घटना कारित की गई थी, काफ़ी सेंसिटिव थी ये घटना, तो उसी तरह से उसका प्रोफेशनली रिस्पॉन्स करने के लिए। महोबा में पूरा मामला मुख्यालय के महिला जिला चिकित्सालय का है, जहां पर भरोसी नामक युवक की बाइक को अज्ञात चोर लेकर 9-11 हो गए। पीड़ित युवक ने मामले की शिकायत पुलिस से की। वहीं युवक ने बताया कि उसकी पत्नी की तबीयत खराब थी और महिला चिकित्सालय में वो भर्ती थी, जहां वो कार्ड लेने के लिए पहुंचा था अपनी बाइक को अस्पताल कैंपस में खड़ा करके। जब 20 मिनट बाद वापस लौटा तो उसकी बाइक वहां नहीं थी। युवक की सूचना पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगालते हुए बाइक चोरों की तलाश शुरू करती है। तो वही सवाल ये उठता है कि अस्पताल परिसर में सुरक्षा के लिहाज से पुलिसकर्मी भी तैनात रहते हैं, लेकिन पुलिसकर्मी की तैनाती के बावजूद बाइक चोरी जैसी घटनाएं यहां की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। कासगंज में भीषण सड़क हादसा हुआ। आपको बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे में अब तक 24 लोगों की जान जा चुकी है। अलगढ़ में इलाज के दौरान 2 बच्चों की मौत हो गई। अब तक 13 महिलाएं, 10 बच्चे, 1 पुरुष की मौत हुई है। 10 लोगों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। 1 बच्चे का अलीगढ़ में इलाज चल रहा है। जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी से मिलने पहुंचे विधायकों को रोका गया। इरफान सोलंकी से मिलने पहुंचे बस्ती के 2 विधायकों को जेल प्रशासन ने रोका। जेल के बाहर सपाइयों की भीड़ बढ़ते देख कोतवाली पुलिस पहुंची। बस्ती जिले के सदर और धौली विधायक सोलंकी से मिलने पहुंचे हैं। जेल सदर क्षेत्राधिकारी आभा सिंह के मान मनोवल के बाद वापस लौटे सिपाही धन्यवाद धनई स्थित जिला जेल पर सपा नेताओं पुलिसकर्मियों की भीड़ जमा होती हुई नजर आई। थाना समाधान दिवस के मौके पर झांसी कमिश्नर आदर्श सिंह अचानक कोतवाली गरौट पहुंच गए, जहां उन्होंने फरियादियों की समस्याएं गंभीरतापूर्वक सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। अधिकांश जमीन संबंधी प्रकरण सामने आए, जिनको गंभीरता से लेते हुए संबंधित लेखपालों और SDM गरौट को निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। थाना समाधान दिवस में स्वेता साहू जिलाधिकारी, रामवीर सिंह पुलिस क्षेत्राधिकारी, वेद प्रकाश पांडे कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सहित कोतवाली गरौट के समस्त उप निरीक्षक, अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इसके पहले आदर्श सिंह कमिश्नर झांसी ने गरौट के एक निजी महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भी सहभागिता की और छात्रों से संवाद किया। इसके बाद नगर पंचायत गरौट के कर्मचारी से नगर में बने MRF सेंटर के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी ली। गरौटा तहसील में आए थे, एक विद्यालय में कार्यक्रम था, एक छोटा सा टैबलेट वितरण का सरकार का, तो उसमें प्रतिभाग किया और यहाँ पे थाना दिवस में आए थे। यहाँ पे जो लोग उनकी समस्याओं को सुना और यही निर्देश दिया SDM साहब को, सीओ साहब को, थाना प्रभारी को, कि जो भी समस्याएं उनका त्वरित और गुणवत्तापूर्वक निस्तारण किया जाए। पीलीभीत में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी को लेकर भाजपा लगातार जिले में सक्रिय है, जिसके चलते प्रदेश क्लस्टर इंचार्ज और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनावी समीक्षा करने पीलीभीत पहुंच गए और उन्होंने मंडल कलेक्टर सुरेश राणा, जिलाध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह, बरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद और विधायक पुरनपुर बाबूराम पासवान समेत जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस समय कार्यक्रमों के माध्यम से लोकसभा चुनाव को फाइनल टच दिया जा रहा है, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ता 24 घंटे 7 दिन सक्रिय रहते हैं और इसी का नतीजा है कि पार्टी को जो ढांचा चुनाव के लिए चाहिए वो पन्ना स्तर तक ग्राउंड लेवल तक तैयार हो रहा है। एक बार फिर उनका अवलोकन किया जा रहा है और बरेली कलेक्टर में 5 लोकसभा सीटें हैं, जिसकी शुरुआत पीलीभीत लोकसभा से की जा रही है। इस बार और ज्यादा बहुमत के साथ, ज्यादा रीट के साथ भाजपा सीट जीतने की तैयारी कर रही है। पूर्व सांसद की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार नौजवान युवाओं को नौकरी देना ही नहीं चाहती। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि जब सरकार की नीयत थी ही नहीं नौकरी देने की, ऐसे में सरकार की लापरवाही से पेपर लीक हुआ। सरकार की अगर नीयत साफ होती तो जिस समय पहले पेपर लीक हुआ था सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर वार करते हुए कहा कि सरकार जिस तरह से काम कर रही है, ऐसे में आने वाले समय में लोगों से वोट डालने का अधिकार भी छीन लेगी। यह सरकार जिस तरह से चीन और रशिया में
वोटिंग नहीं है उसी रास्ते पर सरकार जा रही है। सलमान खुर्शीद के विवादित ट्वीट पर अखिलेश यादव ने कहा कि लोहिया जी फर्रुखाबाद से ही अपना पहला चुनाव जीते थे, हमें उम्मीद है कि वो ट्वीट को डिलीट कर देंगे। वहीं यासर शाह, पूर्व कैबिनेट मंत्री असलम रजानी, तमाम लोग उनके साथ मौजूद नजर आए। किसी सरकार में नहीं हुए होंगे, जितने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं। सरकार जानबूझ करके नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है, उनके सपनों को तोड़ रही है। नौजवानों को न नौकरी देना चाहती है सरकार, न रोजगार देना चाहती है, केवल अपनी मैनेजमेंट के लिए बजट लगा रही है सरकार। युवाओं के नशे में राहुल गांधी वाले बयान पे पीएम मोदी ने पलटवार किया है, आपका क्या कहना? देखिए, इस देश का नौजवान नौकरी और रोजगार चाहता है, इस देश का नौजवान भारत देश को और उत्तर प्रदेश को बनाना चाहता है। अगर वो सपने पूरा करना चाहता है तो उसको नौकरी और रोजगार मिले समय पर, वरना उनकी जो क्षमता है, जो उनकी एनर्जी है, वो वेस्ट हो रही है। कानपुर में दो महिलाओं के बीच आपसी मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है, एक महिला दूसरी महिला से मारपीट और हाथापाई कर रही है। ये पूरा वीडियो एक मिनट कुछ सेकंड का है। जानकारी के मुताबिक कानपुर के ग्वालटोरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत चर्च रोड पर रहने वाली दो महिला कनीस फातिमा और फिलिप दास दोनों के बच्चों में आपसी लड़ाई में दोनों घर की महिलाएं लड़ गईं, जिसके मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में छानबीन की जा रही है। देखिए, ये सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो हमने देखा है, जिसमें दो महिलाएं आपस में झगड़ा कर रही हैं। इसमें हमें थाने से जानकारी की है तो पता चला कस्बे में दो महिला बच्चों को झगड़ा था, जिसकी वजह से दोनों महिलाएं आपस में झगड़ा कर रही थी। पुलिस ने हमें निर्देश दे दिया गया है कि तत्काल उनका मेडिकल कराएं और देह प्राप्त होने पर मुकदमा पंजीकृत कराएं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। जहाँ मिलती है आप